क्योंकि आज तो हमारी बहुत ज्यादा बजने वाली है एंड आई एम श्योर द वंस हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस वीडियो द पार्ट वन उनको तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जबरदस्ती का मुझे गाली पड़ने वाली है ये तो आप सबको पता है. Almost all of you know how my mom is and that's the reason this video has come up again. So yeah, welcome back to my channel guys. This is Suman Kothari and I hope you guys are having an amazing day. मुझे नहीं पता मेरा दिन कितना amazing होने वाला है क्योंकि of course मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली है but then ठीक है आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है and that's the fun of this video. So first let's just check. अब मेरी माँ को तो मैंने already बता दिया है कि we are doing this video once again. So let's just check on her. What is she doing? तू मेकअप करके सो कैसे सकती है यार मम्मी. मम्मी प्लीज. अरे यार तेरे को कुछ काम धंधे एक नहीं यार. मम्मी प्लीज ना. मम्मी प्लीज मेकअप करके सो गई है इंसान. मम्मी प्लीज सोने का टाइम सिर्फ आधा घंटा लगेगा ये वीडियो में. फिर आधा घंटा बहुत लंबा. देखो चिल्लाने मिल रहा है मम्मी मुझ पे. मैं वैसे ही बरस जाऊंगी तेरे पे वैसे. नहीं 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 तो अभी से आधा घंटा लगेगा फटाफट से उठते और ये वीडियो खत्म करते हैं. किसका वीडियो बना रही है? वही वीडियो तेरे को बोला तो था वो जिसमें तेरे को मेरे फोटोज को देख के रिएक्शन देना. तो फोटो अच्छे बताएगी ना? हाँ मेरे को भी गुस्सा आएगा जैसे नींद भी खराब करूंगी. अच्छे फोटो बताएगी तो देखूंगी. नहीं नहीं अच्छे फोटो बताओगी मम्मी सच्ची में. वापस हो जाऊंगी. नहीं अच्छे फोटो बताओगे. इस बार फोटो में तो कोई लड़के वड़के तो नहीं है ना? नहीं मम्मी कई बार की तरह. क्या यार तू भी. चल मैं आ रही हूँ वापस पांच मिनट में फटाफट से हो ठीक है. लेट्स बिगिन द वीडियो. कितना टाइम लगेगा पता नहीं बट यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर गुड थिंग्स योर वे एंड इट्स गुड फॉर यू गाइस नॉट फॉर मी. ओके फाइनली हाय मम्मी. हेलो. हेलो. जिसको भी नहीं बताइए मेरी माता श्री है मातेश्री. मेरे को तो पता है ना. हाँ मुझे पता है मम्मी. ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर्स से. पिक्चर्स का है फोटोज कहाँ चलेगा? मेरे को देख के भग गए. नहीं मुझे ऐसा वन लाइनर्स मत छोड़ा. मेरे को वैसे ही टेंशन आ रहा है. फोटो अच्छे अच्छे बताना. अच्छे बताओगी पक्का? मूड मेरा मूड बिगड़े जैसा मत बताना क्योंकि मम्मी यार मूड बिगड़े ये मेरे पे थोड़ी है. मेरे तो नींद में उठाया मुझे. नहीं 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 अच्छे बताओगे. चश्मा लगा के अभी तो अभी चश्मा लगाया ना. अच्छे चश्मा नहीं दिखेगी. तो सबसे पहला फोटो है ये वाला जिसमें तेरा हाथ किधर जा रहा है और टांगे किधर जा रही है. हाथ तो मम्मी झूला है ना वो अच्छे से पकड़ना चाहिए ना. ऐसे थोड़ी ना पकड़ते हैं लोग झूले को. वो पोज है एक तरीके का. अच्छा क्या बात. टांगे किधर जा रही है? टांगे सीधी कैमरे की तरफ. बहुत अच्छा. खाली फोटो पोज देने के लिए खींचा है लगता है. हाँ बस इसीलिए बैठी थी मैं इस पे इसके लिए. पर ओवरऑल ठीक है ना? ठीक है. तेरा टांग का थोड़ा एंगल एंगल चेंज करना था. ठीक है अगली बार से ध्यान रखेंगे हम थोड़ा एंगल चेंज कर देंगे. ठीक है नेक्स्ट. लिंक्डइन फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये क्या है टिंडर. ये क्या है तेरा टिंडर? टिंडर मतलब छोटे तुम्हारे बस का नहीं है वो. नहीं नहीं मतलब टिंडर एक वो भी सिर्फ एक ऐप ही होता है एक टाइम पास वाला ऐप होता है और कुछ नहीं. वो कभी और बताओगी तुझे मैं. क्यों आज टाइम नहीं तेरे पास? नहीं मतलब तुम जान के मतलब ही नहीं आता. फेसबुक तो अपन सबको पता है. इंस्टाग्राम पे भी फोटो. टिंडर विंडर ठीक है वो टाइम पास ऐप है और कुछ नहीं. ऐसा है क्या? हाँ. क्या मम्मी को बेवकूफ बनाने का? नहीं बेवकूफ थोड़ी बना के यार मम्मी सिर्फ मतलब ठीक है बाद में बताओ. इतनी इंग्लिश आती नहीं इसके लिए पूछ रही. नेक्स्ट ये वाला क्या बजाने का तरीका है? हर एक में टांग बताना जरूरी है. नहीं मम्मी इसमें तो अच्छा आया पोज भी अच्छा आया है. ठीक है ना अच्छा है ना ये अच्छा है बहुत अच्छा ये अच्छा अच्छा. ये क्या है? ये एक्चुअली जो पीछे बॉटल रखी है ना फियामा की इसके लिए शूट था. अच्छा. हाँ फियामा का शूट था तो क्या करी उधर ये मम्मी? बाथटब वाला फील लाने का था इसलिए हमने ऐसा शूट किया. टाल पहन के किया क्योंकि मेरे को वो यू नो तो अपने मारवाड़ी समाज में फिर क्या क्या सोचने लगेंगे. हाँ, पता नहीं तेरा क्या इरादा था. तो मम्मी कोई इरादा नहीं था. अच्छा मैं थोड़ा और ऊपर पहनती तो भी चलता था. हाँ बट मम्मी यार टाल था वो इसीलिए तो ठीक है बस उस वजह से शूट था. बट कैसा है फोटो? कैसा है फोटो? फोटो ठीक है बस वही थोड़ा टवाल थोड़ा और ऊपर रखना. टवाल थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए. अच्छा ठीक है अगली बार ध्यान रखूंगी मैं. ऊपर पैर दे रही है.
फोन के ऊपर, नीचे फोन रखा था हमने. क्या बात है, फोन तो दिख नहीं रहा है इसके लिए बोला किस पे पेड़ दिए. मतलब वो एक तरह का एंगल था. आई हैव शॉट दिस वीडियो बाय द वे. मतलब मैंने फोटोग्राफी हैक्स के लिए जो वीडियो बनाया था ना, तो वो वीडियो देखा था जिसमें फोटोग्राफी के एंगल सिखा रही थी मैं. हाँ, तो तब ये हाँ, तब उसमें ये फोटो क्लिक किया था. हाँ, उनको देख देख के कर रही थी. हाँ अच्छा है ना, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. झूला झूल रही है इसके लिए. हाँ, इसमें कपड़े भी पूरे पहने रही है, कपड़े भी कंफर्टेबल पहने हैं. बस वही है कि गाजियों पे शूज है ना, थोड़ा नीचे रखने. मम्मी तो हर फोटो में नुक्स कैसे निकाल लेती है मम्मी. नीचे पे चलते हैं ना तो शूज नीचे से गंदे होते हैं. हाँ, तो गाजियों पे नहीं रखने चाहिए. समझ में आ रहा है तुम्हें. पोस्ट के लिए भी तुम्हें गाजियों पे फोटो फोटो में नहीं रखना, नहीं रखना चाहिए. ठीक है, ये क्या पहन के घूम रही है. ये थाईलैंड का फोटो है. थाईलैंड का फोटो है तो क्या करने का, नाइट इसमें स्विंग कॉस्ट्यूम में घूम रही है. तो मम्मी तेरे को पता है, मैंने तो ऊपर वो व्हाइट कलर का ये स्कार्फ, ये ड्रेस टाइप टॉप भी डाला है, पर वहाँ पे तो लोग बिकनी में ऐसे ही घूम रहे थे. कुछ ज्यादा मेहरबानी नहीं कर ली है तूने. तो फिर क्या, अपने वाले क्या सोचेंगे इसमें, अपने वाले क्या सोचते हैं. कुछ नहीं समझते, जैसा देश वैसा वेश. हाँ अच्छी बात है, वैसा अपने को नहीं बनने का, अपने कहीं इंडिया के कल्चर. तो मम्मी इंडिया कल्चर बनाया ना, तभी तो ऊपर ये किमोनो पहना है ना, अंदर है स्विमिंग कॉस्ट्यूम. तो उसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम तक ही वहां रखो बाहर. मम्मी ये नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ये तो यहाँ पे सब हम लोग स्विमिंग और कायाकिंग और ये सब कर रहे थे, इसीलिए पहन के रखा था. कितनी प्यारी लग रही है यार, मैं शक्ल देख रही हूँ. तू सब में लग रही है वैसे. ठीक है, मतलब ठीक है. अभी क्या करने का, पेन तो लिया, फोटो भी खींच लिया, डाल भी दिया, अभी क्या करेगी. नेक्स्ट 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 देखते हम नेक्स्ट. ये क्या है, चल रही है, कपड़े उड़ रही है, कपड़े का तो ध्यान रखने का है ही नहीं दे रहे. अरे मम्मी मतलब ये भी पोज एक टाइप का, मतलब ऐसे हम जैकेट से ना ऐसे पोज दे रहे हो, निकाल के पोज कर दे ऐसा. अच्छा ऐसा है क्या, क्या पता क्या पता. तुम्हारे को क्या, हर फोटो में तुम्हारे आधे अधूरे कपड़े ही बताने का. मम्मी ऐसा नहीं है, अच्छे से कंफर्टेबल पहन के तो तुम्हारे को बताने का नहीं है. पोज देने के लिए कंफर्टेबल कपड़े भी तो पहन सकते हो ना. तो कंफर्टेबल ही था, देख मेरे पास इसमें पहना हुआ भी एक फोटो होगा. एक सेकंड रुक, ये पीछे से थोड़ा सा आधा है वही ना, थोड़ा खिसक जाता है तुम्हारे कपड़े. नो नहीं मम्मी, ये देख इसमें थोड़ा पूरा पहना हुआ था, अच्छा लग रहा है ना थोड़ा. हाँ ये अच्छा. तो फिर अच्छा, अच्छी लग रही है मेरे को, बहुत अच्छी लग रही है. अच्छा लग रहा है, सुमन के आके किस लगा. अच्छा अच्छा ये वाला. वाह वाह, बेचारे कुमारों का मटका उठा के कहाँ चली तू. लो चल मैं मेरे घर पे तो ऐसा मटका लाई नहीं तू. अरे मम्मी ये भी शूट के लिए ही था. मैं बोला भाई तू मटका खरीदने चली और मेरे तो घर पे ऐसा मटका आया ही नहीं. नहीं नहीं नहीं, ये सब शूट के लिए था. ये वो कुमार वाला गई थी ना वहाँ का शूट. अच्छा, कैसा है ये फोटो. अच्छा एक तो बोला यार मम्मी अच्छी लग रही हो. अच्छी बोला ना, मैं इसके लिए बोले अच्छे आया कर सब. अच्छा है ना, चप्पल वप्पल कपड़े कपड़े सब अच्छे है. अभी क्या, थोड़ा मटका ऊपर लिया तो थोड़ा बेचारा, वो तो कुर्ती तो आएगी ना थोड़ी. हाथ ऊपर करेगी तो आएगी ना. वाह वाह, बनियान में घूम रहे इधर. बनियान नहीं है मम्मी. क्या गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मौसम तो ठंडी का है. अभी अभी गर्मी चालू होगी ना तो. अच्छा, इसके समझ रही है. फोटो अच्छा है, मैं बोल रही हूँ खाली बनियान. ऐसे लोग सोचेंगे बनियान में घूम रही है सुमन. बनियान में ना, वो फैशन है मम्मी आजकल, फैशन. वही तो. अच्छा अच्छा ये नेक्स्ट. अरे ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है सुमन, बस बैठी है. किधर जा रही है, वो थाईलैंड जा रही है ना. अटैचे भी बैठ जाते हैं लोग. सुमन को तो जहाँ जगह मिलती है वही बैठ जाती है. मम्मी कितने कितना अच्छा प्यारा लग रहा है. क्या बात है, बहुत प्यारा लग रहा है सुमन का फोटो. अटैची पे बैठी आराम से. अच्छा है तेरे में वजन ज्यादा नहीं है, और इधर टेक रखा है वजन नीचे. सुबह अटे जी नहीं टूटेगी मम्मी, इतना भी इतनी भी मोटी. अटे जी कोई नहीं लेके जाएगा, वैसे तेरे को ध्यान रखने को नहीं होता है. नीचे देखे बैठी है, ये बोलना. हाँ ये बात भी सही है कि मेरे को डर था कि कोई मेरी सूटकेस लेके चला जाएगा शूट कर, मैं सो जाऊंगी करती थी. मुझे पता है इसके लिए तू अटे जी को. अच्छा नेक्स्ट. ये बोलना मेरे को टांग लंबे करने का जगह मिली. टांग लंबे मम्मी. अरे यार क्या बात है, मंदिर में क्या पहना, गाउन पहना है क्या. हाँ पर ऊपर दुपट्टा पहना है मैंने. वेरी गुड, पटा पहन के मंदिर. क्या बात है, शीशी टैप्ड में यहाँ ऐसे पीछे से. मम्मी हाथ नहीं दिख रहे हैं पीछे से. क्या बात है, मंदिर में बहुत कल्चर अच्छे. थोड़े बहुत कल्चर थे वहाँ पे. अंदर आने नहीं देता तुम्हें बिना दुपट्टे के, तुम्हें पहनना जरूरी होता है थाईलैंड. अच्छा वहाँ ना, वहाँ से नहीं लिखा लेना पड़ा. क्या बात है, थाईलैंड में भी दुपट्टा लेके अंदर जाने देते. हाँ वो वहाँ पे कल्चर सब जगह सेम नहीं है, कई कई जगह ऐसा एकदम अच्छा वाला कल्चर भी है. बाप रे शेर रियल है. हाँ सच में. हाँ तो ऐसे बेटी डरी नहीं. मैं थोड़ा डरी थी बट ठीक है, मतलब ये शेर सारे ट्रेंड होते हैं वहाँ पे, तो हमको बैठने के लिए पीछे बैठे. इतना रिस्क नहीं लेने का.
इतना रिस्क नहीं लेने का. बेचारा गुस्सा आ गया, तूने तेरा टांग इधर इधर उधर फोटो खिंचाने के चक्कर टांग इधर उधर रख दिया है. नहीं नहीं, मैं उसकी पूछ से काफी दूर बैठी थी. तो बुच्ची के साथ में खेल रही थी. ओह शिट, याद है ना. तो सर, देयर इज दिस डॉग जो मैंने इंस्टा स्टोरी पे आई एम श्योर डाला था, बट इफ यू आर ओनली फॉलोइंग माय इंस्टा यू नो इट. तो वहां पे मतलब आई वाज जस्ट प्लेइंग विद द डॉग और वो अचानक से मेरे पे पाउंस कर दिया और पूरा का पूरा यहाँ पे बाइट्स आ गए मुझे उसके. उसके लिए फोटो खिंचाने के चक्कर में ध्यान भी देने का, नहीं तो उसकी देख पूछ नीचे ही थे. उस पर जरा पेल लग गया तो फिर वो फिर शिकायत होकर भी गुस्सा आ जाता है. थोड़ी 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 बात, मैं भी तेरी मम्मी हूँ तो भी गुस्सा आता है ना. मम्मी मम्मियों को ही गुस्सा आता है. ठीक है चलो नेक्स्ट. पर फोटो अच्छा है ना? फोटो तो अच्छा है. बाप रे, ये क्या है, ये रिक्स लेती है सब ऐसे रिक्स क्या है, लटक रही है ऊपर पूरा. मम्मी ये तो वॉल देख रही है, तो पीछे हाथ इधर उधर हुआ डायरेक्ट नीचे आके गिरेगी ऐसा लग रहा है जैसे. पर इधर वॉल देख रही है पीछे कितना कलरफुल बैकग्राउंड है, ये सब इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है. खड़े होके भी तो फोटो खिंचा सकते थे ना, लेकिन इतना सब ऊपर चढ़ के ऐसे जैसे कोई अभी जंप मारने वाली गिरने वाली, हाथ छूट गया तो डायरेक्ट नीचे, ऐसा रिस्क क्यों लेने का. मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे को पता है लोग इंस्टाग्राम पे है ना वो पहाड़ों पे जाके पता है, लेकिन अपने को नहीं करने का ऐसी मस्ती, नहीं करने की जो भारी पड़े ऐसा मस्ती नहीं करने का अपने को. Okay. फोटो के चक्कर में आजकल कितने केस बनते हैं पता है ना, बस वो ध्यान में रखने समझा, तुम सबको भी ध्यान में रखने सबके लिए है वो. अपनी सेल्फी के पीछे ये सब नहीं करने का, महंगी पड़ जाती है कभी ये फोटो और सेल्फी. इसके लिए वो सबके लिए बोल रही हूँ, सबको ध्यान रखना, सब ध्यान रखना. ठीक है चलो नेक्स्ट. क्या बात है, क्या बात है, जिम वाला फोटो है. जिम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आजकल जिम में क्या पे कपड़े पहनते रहे लोग. मम्मी कपड़े, अरे कंफर्टेबल होता है ना ये सारे कपड़े. देख पीछे से मेरा देख, हड्डी एकदम मस्त दिख रहा है. हड्डी मस्त दिख रहा है, वही तो. अपने इतनी हड्डियां दिखाने की क्या जरूरत पड़ती है लोगों को. अरे मतलब आजकल हड्डियां दिखाते हैं या तुम लोग फैशन दिखाते हो? फैशन इसमें सिर्फ हड्डियां दिखा रही हो. अच्छे खासे ढीले ढीले कपड़े भी पहन सकते हैं लोग, पर क्या है आजकल बस फैशन में मरते. बट कितना मेहनत कर रही हो तूने वो नहीं देखा, देख कितना बहुत मेहनत करी है. अभी क्या पता तू पकड़ के खड़ी है, क्या पता जिम कर, वो मुझे क्या पता है, वहां तो चल नहीं रहा है. दैट इज द सीक्रेट. तो फिर तू खाली फोटो और अपनी घड़ी बता रही है, क्या कर रही है. अरे क्या सही पकड़ी है मम्मी, तू देखो बता, वो घड़ी के लिए ये फोटो शूट था. देखा ना, आ गई ना, आ गई रियल बात पे. ओके नेक्स्ट. वाह क्या बात है सुमन, कंफर्टेबल कपड़ा. माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन. सजन होगा सजन, ओ मेरा नाम है लखन. चौड़ा इसमें तू बहुत कंफर्टेबल कपड़ा पहन, एकदम परफेक्ट लग रही हो ना. परफेक्ट लग रही है, अच्छा है ना. ये फोटो कितना मस्त है, कितनी कितना ड्रेस व्रेस सब कितना कंफर्टेबल है. बस ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. अरे 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 क्या भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या शर्मा रही है सुमन. शर्मा नहीं रही हूँ, ये वो लाइनर था ना उसके लिए. मैं सोचा जैसे कोई देखने आया है, वैसे शर्मा रही है. तुम लोग से मतलब शादी के ऊपर क्यों नहीं आते हो तुम लोग कभी भी? वही तो बात है, हम लोगों को तभी जैसे उम्र हो जाती है शादी की, तो हमको वही सोचना पड़ता है. अच्छा मेरी उम्र कौन सा फोटो अच्छा आया, कौन सा बायोडाटा में देवे. मम्मी तू मेरा इंस्टाग्राम पे बायोडाटा के लिए फोटोज निकाल दिया, देख कितना कम्फर्टेबल है ना कपड़ा उसमें. तो बेचारे तो देख के ही भग जाएंगे, सुमन के संस्कार थोड़ी ना, वो कपड़े देख के भग जाएंगे. संस्कार तो क्या है पता नहीं चले. मम्मी ये लास्ट फोटो है. क्या है तेरा लास्ट फोटो है, क्या है बांध के रखा कपड़ा, क्या आजकल कपड़े बनाते नहीं है क्या, बस शॉर्टकट में काम पटाते है क्या, छोटे कपड़े, कपड़ा भी कम लगे और सीट पूरा इतना क्या वो बना के रखा है, बांध के रखा जैसे कोई रुमाल बांध के रखा है. ये रुमाल नहीं था, मतलब इसका आगे से पूरा था बट पीछे से कपड़ा कम पड़ गया जो खाली बांधने का बना दिया है ना, आगे से पूरा बनाया पीछे से बांधने का बनाया, वही ना बोलना पड़ेगा टेलर को. बोलना पड़ेगा टेलर को, कपड़ा पूरा लेके जाना. देखो पता है इस टॉप का कितना पैसा भरा है मैंने, 1300-1400 रुपए, 1400 रुपए. 1400 रुपए में तेरी पूरी ड्रेस मेरे को बोली होती तो फुल ड्रेस कम्फर्टेबल वाली लेके आती. ये ऐसे ही होते है मारवाड़ी मम्मियां ना, हमेशा ऐसी होती है. तो फिर क्या, खाली फोटो खिंचाएगी बाहर की तरफ पहन के जाएगी, हमारे साथ तो मैं लेके ही नहीं जाऊंगी ऐसे ड्रेस पहनेगी तो. क्यों यार मम्मी यार, ऐसे क्या देखियो लोग बोलेंगे क्या कुछ. तो क्या क्या सुमन कपड़ा कम पड़ गया है क्या, ऐसे बोलूंगी क्या यार मम्मी. ओके दैट्स इट गाइस, आई हो गया आज का हमारा सेशन पूरा. आई और तेरे से और बहन बेटियों से यही रिक्वेस्ट है कि मम्मी पापा ज्यादा आजादी देते हैं, उसका गलत फायदा नहीं उठावे. सरकार भी आजकल लड़कियों को बहन बेटियों को ज्यादा ही
मतलब उनकी सुनती है इसका गलत फायदा नहीं उठावे, समझे आप? समझ के समझे ना, समझ के आप लोग भी समझे समझे ओके दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। ये बार तूने मेरे को ध्यान रख के फोटो बताए। हाँ तो लास्ट टाइम कितनी ज्यादा गालियां पड़ी थी मुझे, कितनी ज्यादा। इफ यू हैवंट वॉच द पार्ट वन देन डू वॉच इट आउट। Okay, that's it for today. I really hope you all enjoyed this video. And yeah, I don't have anything to say right now. Oh shit, kya gaali padi hai aaj to. Matlab aaj to fir bhi kaafi kam padi thi because I did not show up so many such pictures that were not supposed to be shown. Kyunki last time bahut zyada suna tha maine. So I was like, chalo theek hai, this time I'll keep it thoda sa decent. But I still hope you guys enjoyed the video. And if you did, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. Also, do not forget to follow me on my Instagram because I do a lot of stupid things there. I'll see you guys next time. Bye.